दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैं आपके सामने आज 10 सेंटेंस लेके आया हूं। उस 10 सेंटेंस को आप अच्छे से ध्यान दीजिए और उसी प्रकार के और 10 सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट को बदल बदल कर, वर्ब को बदल बदल कर आप बनाने की कोशिश करेंगे, लाउडली प्रैक्टिस करेंगे और मुझे उम्मीद है आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। आपका प्रोनंसिएशन भी अच्छा रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका हेजिटेशन धीरे धीरे दूर होगा। बट दोस्तों यू हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द माइंड परफेक्ट। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं। मैं सबसे पहले उन 10 सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं आपको पहले प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वह खेलता है, ही प्लेस। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले। वह क्या खेलता है, व्हाट डज ही प्ले। वह क्यों खेलता है, व्हाई डज ही प्ले। वह कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले। वह कैसे खेलता है, हाउ डज ही प्ले। वह कहाँ खेलता है, वेयर डज ही प्ले। कौन खेलता है, हु प्लेस। ये आपको जो 10 सेंटेंस थे, तो ये सेंटेंस को आपको अच्छे से ध्यान देना है और इसको बनाने की कोशिश करना है। और इसकी जगह पर आप खेलता है की जगह पर पकाता है कह दीजिए, खाता है कह दीजिए, और ही की जगह पर शी लिख सकते हैं। इस प्रकार के आप सेंटेंस 10 सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है और लाउडली प्रैक्टिस करना है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी वो वर्ड इसका क्वेश्चन वो WH वाले क्वेश्चन कैसे बनाना है ये आपके मुंह में आ जाएगा और आप अच्छे से बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि आप अभी अच्छे से समझ नहीं पाते कि उस सेंटेंस को कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, और अब मैंने तो ही का एग्जांपल दिया था, अब मैं तुम का एग्जांपल देता हूं। तो तुम का एग्जांपल आप समझने की कोशिश करेंगे। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले। तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। तुम क्यों खेलते हो, व्हाई डू यू प्ले। तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। तुम कहाँ खेलते हो, व्हेयर डू यू प्ले। तुम कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले। कौन खेलता है, हु प्लेस। तो ये दोस्तों 10 सेंटेंस की आप बनावट पर ध्यान देंगे और इसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको ध्यान देंगे, और प्रैक्टिस करते समय आपको लाउडली प्रैक्टिस करना है। ये तो मैंने प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल बताया था, और इसको जब प्रैक्टिस करना है तो इन 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते समय आपको उसका वर्ब चेंज करना है और सब्जेक्ट चेंज करना है और लाउडली प्रैक्टिस करना है जब भी, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो हमको सोचना पड़ता है कि क्या आने पर हमें क्या करना है, कब आने पर क्या करना है और कैसे आने पर क्या करना है। ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो। अब मैं आपको पास्ट टेंस का एग्जांपल बना के बताता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना, मैं आपको सारे टेंस बताऊँगा तो वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा और बोरिंग भी लगेगा दोस्तों। तो मैं आपको खाली आइडिया दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे करें ताकि आपका हेजिटेशन भी दूर हो, प्रोनंसिएशन भी सही रहे और उस टेंस को आप समझ सके कि नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने के लिए हमको कैसे सेंटेंस बनाना चाहिए, यानी क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। अधिकतर आपका कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग आखिर घर में प्रैक्टिस क्या करें, कैसे करें जिससे हमारी इंग्लिश अच्छे से इंप्रूव हो सके। चलो दोस्तों चालू करते हैं। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस आपका सेकंड फॉर्म होगा, इसकी जो हेल्पिंग अप होगी डिड होगी, और डिड का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव इंटरगेटिव में करते हैं। वह खेलता था, ही प्लेड। वह नहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएगा। क्या वह खेलता था, डिड ही प्ले। क्या वह नहीं खेलता था, डिड ही नॉट प्ले। वह क्या खेलता था, व्हाट डिड ही प्ले। वह क्यों खेलता था, व्हाई डिड ही प्ले। वह कब खेलता था, व्हेन डिड ही प्ले। वह कहाँ खेलता था, व्हेयर डिड ही प्ले। वह कैसे खेलता था, हाउ डिड ही प्ले। कौन खेलता था, हु प्लेड। खेलता था के जगह पर हम लोग खेला भी कह सकते हैं, उसने खेला, ही प्लेड। उसने नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले। क्या उसने खेला, डिड ही प्ले। क्या उसने नहीं खेला, डिड ही नॉट प्ले। उसने क्या खेला, व्हाट डिड ही प्ले। उसने क्यों खेला, व्हाई डिड ही प्ले। उसने कब खेला, व्हेन डिड ही प्ले। उसने कहाँ खेला, व्हेयर डिड ही प्ले। उसने कैसे खेला, हाउ डिड ही प्ले। किसने खेला, हु प्लेड। दरअसल दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस आपको करना है, वर्ब को बदल बदल कर और सब्जेक्ट को बदल बदल कर प्रैक्टिस करना है। और सारे टेंसेस के फॉर्मूले आप समझ गए हैं, याद कर लीजिए, उसे ध्यान में रखिए और वर्ब और वर्ब सब्जेक्ट को बदल बदल कर बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, आपका हेजिटेशन भी दूर होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। नेक्स्ट टाइम आप इसे करें अपने घर पे, अभी दिवाली की छुट्टियां भी चल रही है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना समय निकाल कर। धन्यवाद दोस्तों। मेरा अगर ये प्रयास, ये कोशिश और ये प्रयोग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच और हैप्पी दिवाली सभी व्यूअर्स को और सभी मेरे वॉचर्स को, मेरे देखने वाले को, मेरे चाहने वाले को। धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ। थैंक यू।